गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दीपिका, विशाल, पलक, कैसे हो आप लोग? आप लोग बढ़िया हो? अच्छे से घर में पढ़ाई कर रहे हो? ओके, विशाल आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो गई है पहले से, और अच्छा सुधार लो, ठीक है? पहले से आप काफी अच्छा लिख रहे हो। और पलक, आपकी हैंड राइटिंग तो बेस्ट थी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस आप पढ़ना सीख लो। आप और मोहित साथ में बैठ के पढ़ाई करो, ठीक है? जल्दी जल्दी सीख लोगे। और दीपिका, आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो रही है, क्यों? पहले अच्छा लिखते थे, अभी क्या हो गया? होमवर्क में मैंने देखा हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। और अच्छा लिखना सीखो, ठीक है? धीरे धीरे लिखो, कोई जल्दी नहीं है। देखो विशाल की हैंड राइटिंग अच्छी होती जा रही है, ठीक है? शायद आप लोगों को अभी आपके क्लास की बुक, हिंदी बुक नहीं मिली है, इसलिए हम एक दो टाइम ग्रामर पढ़ेंगे, ठीक है? आज मैं आप लोगों को मुहावरे पढ़ाऊंगी, कुछ आपने पहले ही पढ़े हुए हैं और कुछ हम और पढ़ेंगे, ठीक है? पहले मुहावरा मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी क्या है, सेंटेंस असाइनमेंट में सेंटेंस आप बनाओगे, ठीक है? घर पे बैठो, आराम से बोलो मन में, और एक एक लिख के वाक्य प्रयोग आपको करना है, ठीक है? मैं आपको मुहावरा बताऊंगी और मुहावरे का मतलब समझा दूंगी। आप अपने घर में जब असाइनमेंट करना उन सारे मुहावरों का, तो उसका वाक्य प्रयोग, मतलब कि मुहावरे की मीनिंग एक सेंटेंस बना के आपको अपने मन से खुद लिखना है, ठीक है? और नीट क्लीन अच्छी हैंडराइटिंग में, क्योंकि अभी आप सिक्स स्टैंडर्ड पे चले गए हो, ठीक है? तो हम शुरू करें। ओके, फर्स्ट मुहावरा है आपका, क्या है? कोई पढ़ेगा? आ की मात्रा आ, और ऊपर चंद्र बिंदु। ख आंख, द पे छोटी की मात्रा दी, ख ख पे आ की मात्रा खा, न न पे आ की मात्रा ना, दिखाना। आंख दिखाना मतलब उसका क्या होता है? डराना, डराना। जैसे बच्चे कोई छोटी गलती करते हैं ना, मम्मी क्या करती है, उनको दूर से कुछ बोलने की जगह आंख दिखाती है, आंख चौड़ी करके उनको ऐसे घूरती है। उसका मतलब बच्चे समझ जाते हैं कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना है, डरना है, डरा रही है, मम्मी मना कर रही है, ठीक है? तो आंख दिखाने का मतलब है डराना, किसी काम को न करने के लिए मना करना, किसी काम को नहीं करना है। तो नॉर्मली मम्मी है या कोई आपसे बड़ा है, आप पब्लिक प्लेस में हो, कहीं पार्टी में गए हो, मार्केट में गए हो, कुछ आप गलत कर रहे हो, शैतानी कर रहे हो, और आपको बिना कुछ बोले जस्ट कोई आंख से स्टेयर कर रहा है, घूर रहा है, इसका मतलब है कि आपको ये काम नहीं करना है। आंख दिखाना मतलब डराना, इसका आपको वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक है? वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे आप इसका? जैसे कि आप बताइए कि कैसे करेंगे। आंख दिखाना, डराना। माँ ने बच्चे को आंख दिखाया, माँ ने बच्चे को आंख दिखाया, इसका मतलब कि माँ ने बच्चे को आंखों से मना किया। तो इसका अगर आपको वाक्य में प्रयोग करना होगा, सेंटेंस बनाना होगा, तो आप बोलोगे माँ ने बच्चे को आंख दिखाया, मतलब डराया। दूसरा क्या है? नजर चुराना, ना ज र, नजर, च छ पे छोटा की मात्रा चू, र पे आ की मात्रा रा, न न पे आ की मात्रा ना, चुराना, नजर चुराना। नजर चुराना मतलब कि बचकर निकलना, बचकर निकलना, मतलब कि आपने कुछ गलत काम किया है या कुछ भी नहीं है, किसी से आप नहीं मिलना चाहते हो, बात नहीं करना चाहते हो, और कहीं जा रहे हो, या उससे आपकी आंख मिल गई, आपने उसको देख लिया, तो आप उसको अनदेखा करके जब भी से जब वहां से निकल जा रहे हो, उसको बोलते हैं बच कर निकलना। मतलब कि आपने उस व्यक्ति को, उस आदमी को देखा, लेकिन आपने ऐसा प्रिटेंड किया, बहाना किया कि आपने उसको नहीं देखा, ऐसे सीधे निकल जाना, उसको बोलते हैं नजर चुराना या बचकर निकलना, ठीक है? या फिर मान लो कि आपने कभी कोई गलती की है, कुछ चुरा लिया है, और सामने वाले को पता है कि आपने ऐसे किया, तो आप उसको इग्नोर करके बिना बात किए उससे जल्दी से चले जाते हो, उसको बोलते हैं नजर चुराना या बचकर निकलना। किसी को देखा लेकिन अनदेखा करके जो निकल जाना है, उसको बोलते हैं बचकर निकलना। तो आपको सेंटेंस इसका बनाना है नजर चुराना। जैसे राहुल मुझे
मुझे देखकर नजर चुराने लगा या नजर चुराकर चला गया। राहुल मुझे देख के नजर चुराकर चला गया, मतलब बचकर निकल गया, देखा भी लेकिन बात नहीं किया, ऐसे प्रिटेंड किया कि मैंने नहीं देखा। इसको बोलते हैं नजर चुराना, नजरें फेर लेना मतलब अनदेखा करना। अनदेखा करना मतलब आपने किसी को देखा लेकिन आपका बात करने का मन नहीं है, या फिर हो सकता है आप उससे हैप्पी नहीं हो। कई कभी कभी आपके फ्रेंड्स है ना, आपकी बात नहीं माना, आपका स्नैक्स खा लिया या कुछ भी कर लिया, तो आप उससे हैप्पी नहीं हो। आपने उसको देखा, वो आपको स्माइल कर रहा है लेकिन फिर भी आपने उसको इग्नोर करके कहीं और देखने लगे। उसको बोलते हैं नजरें फेर लेना। आपने किसी को देखा लेकिन देखते हुए भी इग्नोर करके आप किसी और तरफ देखने लगे, उसको नजरें फेर लेना। अनदेखा करना मतलब देख के भी न देखने जैसा बिहेव करना, उसको बोलते हैं नजरें फेर लेना। इसका आपको वाक्य प्रयोग करना है। कैसे वाक्य प्रयोग करेंगे आप लोग? नजरें फेर लेना, जैसे आप बोल दो नजरें फेर लेना, उसने मुझे देखते ही नजरें फेर ली। उसने की जगह आप किसी का नाम भी लिख सकते हो, ठीक है? उसने मुझे देख के नजरें फेर ली। फोर्थ वन है आंख का तारा। आंख, सेम आंख, आंख का तारा। तारा मीन्स स्टार, ठीक है? तारा मीन्स स्टार। आंख का तारा मतलब मीनिंग क्या होता है उसका? बहुत प्यारा। कोई किसी को बहुत प्यारा होता है उसको नॉर्मल में बोलते हैं कि ये तो मेरी आंखों के तारे हैं, ठीक है? या फिर नॉर्मल टॉक में, जैसे कि आपकी दादी है, नानी है, कोई भी है, बोलते हैं ये बच्चा तो मेरी आंखों का तारा है, ठीक है? मतलब कि बहुत प्यारा होना। आप किसी के नाम के साथ, आपको जब सेंटेंस में इसको बनाना होगा तो आप किसी के नाम के साथ बोल देंगे, जैसे कि कोई भी, आप विशाल अपनी दादी की आंखों का तारा है, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है? विशाल अपनी दादी की आंखों का तारा है, मतलब कि बहुत प्यारा है, उसकी दादी माँ उसको बहुत प्यार करती है, इस तरह आप सेंटेंस बना सकते हो। फिफ्थ वन, आंख पर पर्दा पड़ना। आंख पर पर्दा पड़ना, आंख पर पर्दा पड़ना मतलब नहीं दिखना मतलब हमें दिख तो रहा है लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि उसके पीछे क्या चल रहा है, ठीक है? उसको बोलते हैं आंख पर पर्दा पड़ना। हम अपने काम में, किसी भी चीज में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उसके पीछे क्या नेगेटिविटी है, क्या उसके हम हैं, वो हमें नहीं समझ में आ रही है, ठीक है? आंखों पर पर्दा पड़ना मतलब नहीं दिखना, ठीक है? जैसे कि हम बोलते हैं बच्चों को कि ज्यादा टीवी नहीं देखना है, ज्यादा मोबाइल नहीं देखना है, उससे आंखें खराब हो जाती हैं, बच्चों ज्यादा कार्टून नहीं देखो, लेकिन अभी क्या है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको कार्टून, मोबाइल में कार्टून देखना, बहुत सारी टीवी देखना अच्छा लग रहा है लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि उसका हार्म क्या होगा। इसी को बोलते हैं आंख पर पर्दा पड़ना, नहीं दिखना। आपको सिर्फ कार्टून दिख रहा है, अच्छा लग रहा है कार्टून, लेकिन उसके पीछे क्या है, ज्यादा मोबाइल देखोगे आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, चश्मे लगाने पड़ेंगे, वो आपको नेगेटिविटी नहीं दिखती है। इसी को बोलते हैं आंखों पर पर्दा पड़ना, मतलब कि नहीं दिखना। इसका सेंटेंस में हम कैसे प्रयोग करेंगे, आप सोच के लिखो, ठीक है? आंखों पर पर्दा पड़ना मतलब कि हमें एक साइड ही दिख रहा है। ओके चिल्ड्रन, सिक्स वन इज आंख लगना। आंख लगना मीनिंग क्या है? सो जाना। सो जाना मतलब स्लीपिंग। आंख लगना, सो जाना। पढ़ते पढ़ते अगर इसका वाक्य में प्रयोग करना होगा तो कैसे करेंगे? पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई, और टीवी देखते देखते मेरी आंख लग गई, ठीक है? तो इसका वाक्य में प्रयोग हम ऐसे करेंगे। आंख मूंदना, आंख मूंदना, माम अभी बड़ा हो की मात्रा मूंद एंड चंद्र बिंदु है तो मूंदना, मूंदना। आंख मूंदना मतलब मर जाना। कोई मर गया तो उसको नॉर्मल बोलते हैं लोग कि उन्होंने आंख मूंद ली। इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे आप लोग? पहले भी मैंने ये बताया था आप लोगों को, आंख मूंदना, जैसे कि किसी के भी नाम के साथ, या बोल दो उनके दादाजी ने समय से पहले आंखें मूंद ली,
उनके दादाजी ने समय से पहले आंखें मूंद ली, या फिर किसी का नाम लेके आप लिख सकते हो कि राम श्याम कोई भी, वो समय से पहले आंखें उसने मूंद ली, राम ने समय से पहले ही आंखें मूंद ली, उसको बोलता है बोलते हैं आंख मूंदना, मतलब मर जाना, आंख भर आना, आंख भर आना, भ ओके नाटक प्रोनाउंसिएशन मिल गई भ, आंख भर आना, ये दोनों केस में हो सकता है, दुख दुख में भी हो सकता है और सुख में भी हो सकता है। आंख भर आना मतलब कि आंख में पानी आना, या तो आप बहुत ज्यादा हैप्पी हो या फिर आप सैड हो, दोनों केस में आंख में पानी आ जाता है। ठीक है, कोई बात सुना दुखी हो गए, कोई इमोशनल चीज सुना दुखी हो गए तो आंख में पानी आ जाता है, या फिर बहुत ज्यादा हैप्पी हो गए तो भी आंख में पानी आता है। आंख भर आना मतलब आंख में पानी आ गया। तो इसका जब हम वाक्य में प्रयोग करना होगा तो कैसे करेंगे, उसके पास होने की खबर सुनकर मेरी आंखों में पानी भर आया, या फिर वो क्रिकेट में जीत गया और क्रिकेट में जीतने की खबर सुनकर मेरी आंखों में पानी भर आया, या फिर उसकी दुख भरी कहानी सुनकर मेरी आंखों में पानी आया, आंखों में पानी भर आया, इसको बोलते हैं आंख में आंख भर आना मतलब आंख में पानी आना। जब आप सेंटेंस बना रहे हो तो ये वाला वर्ड यूज करना है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला वर्ड की मीनिंग होती है। ठीक है, आंख बचाना, आंख बचाना, आंख बचाना मतलब वही है किसी से बचकर निकलना, आंख बचाकर निकल गए, किसी के सामने पड़े लेकिन उनको अनदेखा करके निकल जाना, मतलब आंख बचाना, बचकर निकलना। 9, 2, 11 होना, 9 मतलब 9, 2 मतलब 2, 11 मतलब 11, 9, 2, 11 होना। वैसे भी 9+2 क्या होता है, हिंदी में 11 हो जाएगा, 9 और 2 कितना होगा 11, इसी को बोलते हैं 9, 2, 11 होना। 9, 2, 11 होना मतलब भाग जाना, जल्दी से भाग जाना, पुलिस को देख के चोर जो है वो 9, 2, 11 हो गए। तो इस तरह से आप लोगों को सेंटेंस खुद बनाना है। अभी क्या है, मैंने आप लोगों को मुहावरे बता दिए, मुहावरे का मतलब बता दिया, अभी आप लोग मुहावरे का मतलब जान गए हो, खुद से सोचो और एक नया सेंटेंस बनाओ। ठीक है, लिखते समय धीरे धीरे लिखना है और स्पेलिंग का ध्यान देना है। ठीक है, अभी मैं असाइनमेंट देती हूँ, उसी को आपको बनाना है। ठीक है।